दोस्तों नमस्कार, फाइनली एग्रीकोचला आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है आपका सब्जेक्ट मैटर। और आज हम डील करेंगे कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट से। बिफोर गोइंग इन डिटेल हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी ओरिजिन जानेंगे और इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, इसके डिफरेंसेस में है। इसके बाद आपका प्रिंटिंग मटेरियल से मैं आपको डील करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल और जो आप कीन्स और क्लासिकल क्या बोले, आपका जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। जो आप कीन्स भैया बोले वो बोले कि आपको जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, जो किस बोले वो क्या बोले कि अंडर जो इम्प्लॉयमेंट है वो आपका नॉर्मल है, आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी आपका अंडर इम्प्लॉयमेंट होगा। क्लासिकल बोले नहीं भाई, हमारा तो फुल इम्प्लॉयमेंट चाहिए हमको। बट किस बोले नहीं भाई, अंडर इम्प्लॉयमेंट ही नॉर्मल है इकोनॉमी के लिए, और जो आपका फुल इम्प्लॉयमेंट है ना वो कभी कभार एक्सीडेंटल हो सकता है। ये बोले किस और क्लासिकल, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। यहीं से इनकी आपस में बहस होगी और बहस करते करते नए नए कंसेप्ट डाल दिए। किस बोले भाई आपका जो किस का जो सप्लाई कर्व है और जो क्लासिकल जो सप्लाई कर्व है उसमें डिफरेंस दे दिया भैया। यहाँ बोले क्लासिकल बोल रहे थे भाई हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होगा कि आपका जो सप्लाई कर्व है ना वो वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल किस हिसाब से होगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइज हो जाएगा। अब रिसोर्स ही नहीं रहा, आप आउटपुट इंक्रीज कहाँ से करोगे भाई, आप सप्लाई कहाँ से इंक्रीज करोगे। ये बोले क्लासिकल। बट किस भैया तो अब बहस हो गई थी भाई, चल गए थे उनका भाई। नहीं भाई, आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो आपका क्या हो गया, आपका जो सप्लाई कर्व है वो किस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। किसके, एक्स एक्सिस के, मतलब कि आपको जो सप्लाई है वो यहाँ पे आपकी इलास्टिक हो गई, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कभी तो आप इंक्रीज करोगे रिसोर्स यूज करना। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक कभी ना कभी पहुंचोगे, तो आपकी जो सप्लाई है वहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक रहेगी, इसलिए वहाँ पे जो कर्व है वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी नहीं वो ठीक है, यहाँ से भी उनकी बहस आगे चली। तो उन्होंने बोल दिया कि अब तो भाई एग्रीगेट डिमांड पे आ जाओ। एग्रीगेट डिमांड पे आ गए तो किस भैया क्लासिकल भैया किस बोले कि नहीं भाई, आपने जो क्लासिकल बोलते थे वो क्या बोलते कि जो प्राइस लेवल है वो कहाँ से डिटरमाइन होगा, वो एग्रीगेट डिमांड से डिटरमाइन होगा। लेकिन किस तो अब चल रहे थे, अब बहस करना था, न्यू पॉइंट अराइज करना था, प्रूव करना था। तो भाई इन्होंने बोला कि भाई किस क्या बोले कि जो भी एग्रीगेट डिमांड है ना वो आपका जो रियल आउटपुट लेवल है ना वो आपका डिटरमाइन करेगा। यानी कि एक तो भी तो मेजर ब्रेक थ्रू होगी यार, जहाँ कहाँ प्राइस लेवल हो कहाँ आउटपुट लेवल, ये तो एक मेजर ब्रेक थ्रू होगी। तो यही से आपका किन्स थ्योरी और अंदर अंदर और मतलब किन्स स्कूल ही खुल गया। उसके अंदर जो इकोनॉमिस्ट थे वो नए नए इकोनॉमिस्ट अराइज हुए, कुछ फॉलो किए, कुछ क्रिटिसाइज किए, तो वहाँ से एक न्यू एक चैप्टर ही ओरिजिन हो गया किन्स थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ चलो अब स्टोरी खत्म। अब पॉइंट पे आते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या करेगा, आउटपुट को डिटरमाइन करेगा। क्लासिकल क्या बोले, प्राइस लेवल को डिटरमाइन करेगा। ये मेजर ब्रेक थ्रू होगी। और एक जो अगर एक अगर आपने जो आप करने जा रहे हो, अगर आप खेल खेलने जा रहे हो किन्स थ्योरी का, तो दोस्तों एक छोटी सी साइकिल है वो समझ जाओगे ना, आपका सब बेड़ा पार है, सब क्वेश्चन क्लियर कर दोगे। किन्स बोले क्या है, बोले भाई एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, भाई क्या बोलेगे ये फंक्शन है इफेक्टिव डिमांड का। दोस्तों इफेक्टिव डिमांड मैंने अभी बोला नहीं, मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, ये ब्रीफिंग है, जान लीजिए, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड का, इफेक्टिव डिमांड बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आप सोचिए इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, उनका प्रोडक्ट बिकेंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे मतलब कि आपका जो है आउटपुट भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो आप इफेक्टिव डिमांड को कैरी कर पाओगे। आप अब आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, आउटपुट इंक्रीज होने से क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ, सब मजे आ गए ना, प्रॉफिट हुआ, रिवेन्यू हुआ, उससे क्या हो गया आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होने से क्या हुआ दोस्तों, अब बोलोगे बीच जगह जगह खोल दो हमारे प्रोडक्शन सेंटर, हमको क्या करना है डिमांड को ओवरटेक या डिमांड को बराबर करना है। तो हमने क्या किया, जगह जगह हमने प्रोडक्शन यूनिट लगानी चाहिए, उसके लिए हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, तो उससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया। यही साइकिल है, यही आपका फंडा है किन्स का भाई, सीधा सा फंडा है। और दोस्तों ये किन्स का फंडा है ये, और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो भी होना है शॉर्ट रन में ही होना है। ये दो चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर हैं तो सब क्लियर है। आगे आने वाला जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो आपको फटाक से आपको याद रहेगा, फटाक से आपको सब एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक था आपकी ब्रीफिंग। अब चलते हैं दोस्तों, तोड़ते हैं इफेक्टिव डिमांड को। इफेक्टिव डिमांड का क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड बोले कि भाई मैं क्या हूँ, मैं तो हूँ भाई डिमांड, सीधी सी बात है, किसकी, गुड्स एंड सर्विस की, किस पे, वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। यानी कि आपको 10 आपने लेबर एम्प्लॉयमेंट किए, 11 किए, 12 किए, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, और उनकी डिमांड जो होगी मार्केट में, वही भाई वही तो होगी आपकी इफेक्टिव डिमांड।
और अगर अलग से बात करूं तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व जहां पे इंटरसेक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वहां पे आपका इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट आ जाएगा। ये बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइन बाय आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ से फंडा क्लियर हुआ, नथिंग बट जस्ट ए डिमांड इफेक्ट डिमांड डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसकी डिमांड होगी? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। यहाँ से इफेक्टिव डिमांड का फंगा और फंडा क्लियर। अब इसको तोड़ेंगे भाई हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई करो में, ठीक है। तो हमको एग्रीगेट डिमांड समझना है, एग्रीगेट डिमांड की स्टोरी चली जा रही है, घिसे जा रहे हो भाई। अब एग्रीगेट डिमांड है क्या? एग्रीगेट डिमांड है दोस्तों, ये है एक्सपेंडिचर। कौन करेगा? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। किसके फॉर्म में करेगा? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की। यानी कि जो आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जो भी आपका हाउस होल्ड और आपकी फर्म और जो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उनको जोड़ दो, आपके पास आ गई एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड आने के साथ ही आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या होगा। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होगा दोस्तों जो आपकी गिवन एट जो क्या करेगा, एग्रीगेट जो कोई फंक्शन होता है दोस्तों बेसिकली एक रिलेशन होता है किसके बीच में, यहाँ के जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो किसके बीच में रिलेशन है, ये है आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्सपेक्टेड प्रोसीड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप 10 लेबर लगा रहे हैं उससे आपको कितना प्रोसीड आ रहा है उसी को रिलेट करना है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एग्रीगेट डिमांड चाहिए। और ये क्या है दोस्तों? ये पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा वैसे ही इंक्रीजिंग आउटपुट, यानी कि जो आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन योर आउटपुट लेवल, ये बोले एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, बात खत्म। और इसी के साथ एग्रीगेट डिमांड प्राइस की तरफ जाए। दोस्तों मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई मेरे पास इतना प्रोडक्ट है इसकी सेल से मेरे को इतना रिवेन्यू एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और ये जो सेल जो प्रोडक्ट है ये मैं मान के चलिए 20 जो लेबर हैं इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लगा रहा हूँ, मीन्स इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैं कितना रिवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड प्राइस है। यहाँ से एग्रीगेट डिमांड प्राइस का भी फंडा खत्म हो गया दोस्तों, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब चलेंगे एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। एग्रीगेट सप्लाई बोली क्या? बोली भाई मैं हूँ, कौन हूँ भाई? मैं हूँ वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट वैल्यू एट अ फैक्टर कॉस्ट। यानी कि अगर आप अपने फाइनल जो आपके आउटपुट वैल्यू है उसको फैक्टर कॉस्ट पे अगर वैल्यूड कर दो, यानी कि जितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी फैक्टर कॉस्ट पे कितनी वैल्यू है, वो आपका एग्रीगेट सप्लाई है। और दोस्तों एग्रीगेट सप्लाई के साथ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी आ गया। तो सीधी सी बात है, फंक्शन है तो दोस्तों कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। दोस्तों ये क्या रिलेट किया? ये रिलेट किया कि आपको कितना प्रोसीड और कितना रिवेन्यू कितना प्रॉफिट चाहिए कि आप स्पेसिफिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप और स्पेसिफिक लेवल ऑफ लेबर आप इंप्लॉय कर सको, उसके लिए आपको कितना प्रोसीड चाहिए उसी को आप रिलेशन लगा दीजिए, उसी को आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर दीजिए, आपके सामने एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। और दोस्तों इन्होंने क्या बोला, ये भी दोस्तों पॉजिटिव होता है कि जो स्लोप ऑफ जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है जो आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपका जो आउटपुट लेवल है उसके साथ इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आएगा उस पर आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो आपका वर्टिकल हो जाएगा। ये एक स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका आपका होगा कब होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होगा? वर्टिकल होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। ये बेसिक फीचर होगा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का, और सप्लाई फंक्शन क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस की। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है दोस्तों? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस ये भी सीधी सी बात है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो एक एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है। जो आप मान के चलिए आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, ठीक है, मैंने आउटपुट लगा दिया, इसकी जो कॉस्ट है इसको कवर करने के लिए मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मिनिमम अमाउंट रिवेन्यू है प्रोसीड है वो ही आपका एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है कि कितना मेरे को मिलना चाहिए ताकि मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कवर हो जाए, और वही आपका एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है। सिंपल सी बात में हिंदी में बोल दो या इंग्लिश में बोलो तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस आपके सामने आपकी बेसिकली कॉस्ट कवर करने के लिए कितनी इनकम आपको कितना प्रॉफिट चाहिए वही आपका एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, ठीक है। यहाँ से एग्रीगेट सप्लाई करो और एग्रीगेट डिमांड का फंडा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दोस्तों इसका कर्व शेप क्या होती है। दोस्तों हमने बोला है कि जो इफेक्टिव डिमांड है उसमें क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड और एग को डिटरमाइन करना है तो क्या बोला था फर्स्ट स्लाइड में, बोला था कि भाई आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट प्राइस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। वो अगर दोस्तों आपके सीधी सी बात जो अगर आपको इक्वल करना है कुछ भी, तो यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट प्राइस करो
एक दूसरे का इक्वल होने चाहिए, ये चीजें। ये कहाँ पे होंगे, ये कहाँ पे होंगे दोस्तों, जहाँ पे वेयर दे विल इंटरसेक्ट, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि कहाँ पे, ई पॉइंट पे, वेयर ई पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे आपका इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइन हो जाएगा। अब बोलोगे भाई ठीक है यहीं पे क्यों, अदर देन जो भी पॉइंट होगी उस पे क्यों नहीं, तो मान के चले हमने ले लिया डी वन पॉइंट, ठीक है दोस्तों, डी वन पॉइंट ले लिया हमने, इस पे क्यों नहीं दोस्तों, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करता है रिवेन्यू, और आपका जो एग्रीगेट जो सप्लाई करो है, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि आपका रिवेन्यू है मोर देन कॉस्ट है, यानी कि आप प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि आप अपना लाभ बढ़ा सकते हो। तो मैंने लाभ क्यों नहीं मैक्सिमाइज करूं भाई, सीधी सी बात है, मैं आप तो अब ई पे ही प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है भाई। अब ई से आगे क्यों नहीं बढ़ूं मैं, अब मैं बढ़ना चाहूंगा एस टू की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगी, यानी कि आपको जो कॉस्ट है वो रिवेन्यू से ज़्यादा हो गया, तो आपको लॉस होने लग गया, ठीक है। अब मेरे को लॉस हो रहा, तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ फिर से वापस आ जाऊँगा, तो यही आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है, यही आपका इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करेगा, और यहाँ से आपको इफेक्टिव डिमांड डिटरमिनेशन पता लग गया कि कैसे कर्व से हम इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइन कर सकेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ जो एक पेक्युलर चीज़ बोले थे, कीन्स क्या बोले कि अंडर इम्प्लॉयमेंट है, नॉर्मल है, अंडर इम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी इक्विलिब्रियम होगा, तो यहाँ से कैसे प्रूव करें दोस्तों, ये देखिए ये अंडर इम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है वो आपका जो है फुल लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट में वो आपको वर्टिकल हो जाता है, और वर्टिकल यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, बट यहाँ के आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे, अंडर इम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो अंडर इम्प्लॉयमेंट लेवल इज द न्यू नॉर्मल फॉर द इकोनॉमी, कौन बोले, कीन्स बोले, और इन्होंने यहाँ प्रूव भी कर दिया। अब इसी के साथ ही अब बोल दें कि भाई ठीक है अंडर इम्प्लॉयमेंट ठीक है हमको, बट फुल इम्प्लॉयमेंट भी तो आप बोले भाई वो कहाँ से लेके आओगे, फुल इम्प्लॉयमेंट बोले भाई फुल इम्प्लॉयमेंट इज एक्सीडेंटल, तब तो उसको लाना है तो कहाँ से लाओ, ला के दिखाओ हमको, तो उन्होंने बोला सीधी सी बात है भाई, हम जी रहे हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ना तुम रहने ना हम, मर जाने कौन किसने देखा, तो सीधी सी बात है हम इसी इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में से क्या चेंज कर पाएंगे दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई होता है आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनोवेशन हो गया, आपकी जो R&D डेवलपमेंट होगी, या आपकी जो इनोवेशन, आपकी जो टेक्निक है उसको चेंज करना है, उसके लिए लॉन्ग रन लगता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको फुल लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट जाना है तो सिर्फ आपको एग्रीगेट डिमांड ही चेंज करना होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड चेंज कर दोगे आपको जो अंडर लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट लेवल है वो आपका फुल लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा। यहाँ इस कर्व यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई से प्रोसीड है इम्प्लॉयमेंट है एक्सेसिस पे, और दोस्तों अंडर इम्प्लॉयमेंट से फुल लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट की तरफ जाया गया है किसके द्वारा, एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के से, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स होगा कि अगर आपको फुल इम्प्लॉयमेंट लाना है, अगर आपको जाना है, तो एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा क्योंकि शॉर्ट रन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई अब हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड में तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट रहेगा, अब उसमें से भी तो कुछ चेंज करो भाई, उसमें से हम क्या चेंज करें दोस्तों, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है, कंजप्शन है दोस्तों नेचर आपका, जो आपकी हैबिट्स हैं, आपकी नेचर, आपकी हैबिट्स और आपकी प्रेफरेंसेस हैं, उसको चेंज करने में कितना, एक महीनों सालों एकदम क्या कितने साल लग जाएंगे, ठीक है, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो जी रहे हैं शॉर्ट रन में भाई, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन बचता है आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दो आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं अगर डिमांड या मेरे को अगर आप इम्प्लॉयमेंट लेवल अगर इफेक्टिव डिमांड पॉइंट अगर इंक्रीज करना हुआ, या मेरे को अगर इम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज करना हुआ, तो वो कैसे होगा, वो इन्वेस्टमेंट चेंज करने से होगा। अब कर्व की ओर इन्होंने क्या क्या बोला, तो अगर हमें वाई एक्सिस पे इन्होंने लिया कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, एक्स एक्सिस पे ले लिया इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाई इक्वल टू सी प्लस एस, सी प्लस एस क्या, तो दोस्तों आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, और सी प्लस आई क्या होता है आपका एग्रीगेट डिमांड होता है, तो ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ इन्होंने क्या किया कंजप्शन को इंटरसेक्ट करा दिया, मतलब कंजप्शन जो फंक्शन था उसको इंटरसेक्ट करा दिया। अब कंजप्शन में इन्होंने क्या किया इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया, यानी कंजप्शन इन्वेस्टमेंट ऐड करने से क्या हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड बन गया, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई करो हमारे पास था यहाँ ऑलरेडी, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, ई पे इंटरसेक्ट किए। अब बोले कि ठीक है भाई यहाँ पे आ गया, अब मेरे को ये लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्रीज करना है, ठीक है, और या मेरे को आउटपुट भी बढ़ाना है, तो क्या करना है, मैं क्या चेंज करूँ, तो दोस्तों मेरे को इन्वेस्टमेंट चेंज करनी होगी, जो ये सी प्लस आई आप देखने को मिल रहा है, सी प्लस आई
जो ये I1 है दोस्तों, यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए P प्लस आई प्लस आई वन, यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मैंने I1 से चेंज कर दी। और I इन्वेस्टमेंट ही क्यों चेंज की, क्योंकि शॉर्ट रन है ठीक, कंजप्शन में चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट चेंज करने से आपका इफेक्टिव डिमांड चेंज हो सकती है, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो अगर चेंज करना है, यानी कि आपको अगर फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट भी लाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चेंज करनी पड़ेगी और एग्रीगेट डिमांड चेंज करनी पड़ेगी। ना आप एग्रीगेट सप्लाई चेंज कर सकते हो, ना ही आप कंजप्शन चेंज कर सकते हो। ये कर्व यही एक्सप्लेन कर रहे दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं, डायरेक्ट है कि आपको अगर इंक्रीज करना है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो क्या चेंज कर दो, इन्वेस्टमेंट चेंज कर दो या फिर एग्रीगेट डिमांड चेंज कर दो। यहाँ पे ये खत्म हो गया। और दोस्तों एग्रीगेट डिमांड का बहुत कन्फ्यूजन चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि इफेक्टिव डिमांड चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं एग्रीगेट डिमांड इज मोर इम्पोर्टेंट। वो क्या है, कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको रिविजन टाइम में कराऊंगा ठीक है दोस्तों। तो अब है दोस्तों द रिविजन टाइम, द पॉइंट ऑफ द इफेक्टिव डिमांड इज फुल एम्प्लॉयमेंट, नॉट नेसेसरी फुल एम्प्लॉयमेंट और सरप्लस इकोनॉमी, नन ऑफ द वो दोस्तों। जो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है, यही तो बोला है कीन्स, तो बी इज द राइट ऑप्शन। देन सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एज लॉन्ग एज, अगर दोस्तों ने बोला कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कब तक इंक्रीज होगी, जब आप एग्रीगेट डिमांड है वो लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होगी, या फिर मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होगी, या फिर इक्वल हो जाए, या नन ऑफ द वो दोस्तों। आपके अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तभी तो आप इंक्रीज करोगे ना आउटपुट वगैरह, तो आउटपुट इंक्रीज करने का यानी कि किससे ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे आपकी क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, मतलब उस लेवल तक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर पाओगे, यानी कि जब तक एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई तब तक आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते रहो, यानी कि बी इज द राइट आंसर ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन दोस्तों क्वेश्चन थर्ड, डैश रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर, वेट सॉरी, डैश रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो टोटल आउटपुट है उस पर जो एक्सपेंडिचर लगा रहे हो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे हम इफेक्टिव डिमांड। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इफेक्टिव डिमांड इज रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टोटल आउटपुट एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन फोर्थ है वो क्या बोलते हैं आपके लिए, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इफेक्टिव डिमांड इज द वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट, इफेक्टिव डिमांड इज द नेशनल इनकम, इफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों जब इफेक्टिव डिमांड की बात की थी हमने क्या बोला था, जो इफेक्टिव डिमांड है बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड है वो चेंज करने से होगा, और एग्रीगेट डिमांड होता है बेसिकली आपका दोस्तों एक क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसकी फॉर्म में, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। और कौन करता है दोस्तों, वो कौन करेंगे, गवर्नमेंट फर्म और जो आपके पब्लिक होते हैं वो नॉर्मल करेंगी। तो दोस्तों यानी कि जो हम एग्रीगेट डिमांड को चेंज कर रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड क्या है, यानी कि आपकी नेशनल इनकम होगी, एक्सपेंडिचर की बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो इसी हिसाब से निकाल लोगे, यानी कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं आप। तो उस हिसाब से जो इफेक्टिव डिमांड है वो मेनली इन्फ्लुएंस किससे हो रही थी, एग्रीगेट डिमांड से, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली नेशनल इनकम के इक्वल होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम क्या होगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट, और वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट होगा। और दोस्तों जो जितना अगर मैंने बोला था जब आपको स्टार्टिंग में मैंने साइकिल समझाया था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्टिव डिमांड का फंक्शन है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जितनी इंक्रीज होगी वो इफेक्टिव डिमांड के हिसाब से इंक्रीज होनी है, यानी कि आपकी जो इफेक्टिव डिमांड है वो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी के भी इक्वल होगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन फोर आंसर डी इज द राइट आंसर। देन आता है दोस्तों एग्रीगेट डिमांड इज कंसीडर्ड एज कोर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड गिवन बाय, दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम सोचते हैं भाई एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं और जो भी है किन्हीं से ठोक देंगे लगा देंगे भाई, लेकिन नहीं दोस्तों बहुत डिफरेंस होता है, यानी कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कोर है किसका, इफेक्टिव डिमांड का। कौन बोले, ये बोले दोस्तों प्रोफेसर डिलार्ड, ना कि कीन्स भैया क्या बोले कि आपको जो आपका इफेक्टिव डिमांड है वो है आपका बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, और बेसिकली जो आपकी थ्योरी है जो इनकम आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है उसका बेसिक है इफेक्टिव डिमांड। और डिलार्ड क्या बोले कि एग्रीगेट डिमांड इफेक्टिव डिमांड का भी कोर प्रिंसिपल है, समझ गए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। याद के लिए मैंने जो प्लान था मैंने अपने हिसाब से आपके लिए मतलब बेस्ट बेस्ट मैंने करा दिया, और बने रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब, और दोस्तों